टू बॉडीज ऑफ इक्वल हीट कैपेसिटी सी एंड टेम्परेचर टी वन एंड टी टू फॉर्म एंड एडियाबेटिकली क्लोज सिस्टम वाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर बी इफ वन लेट्स दिस सिस्टम कम टू इक्ब्रियम फ्रीली रिवर्सि रिवर्सिबली एंड वाट इज द मैक्सिमम वर्क विच कैन बी ऑप्टेंड फ्रॉम दिस सिस्टम्स ठीक है देखो क्या करें कि मुझे कह रहा है कि सपोज यह एक एडियाबेटिक सपोज मान लो कि एडियाबेटिक दोनों देखो मैं बता रहा हूँ एक सिस्टम ए है और सिस्टम बी है और दोनों मिलके सिस्टम ए और बी दोनों की हिट कैपेसिटी जो था इसकी भी सी हिट कैपेसिटी इसका भी सी हिट कैपेसिटी है और दोनों मिल के क्या रहा है एक एडियाबेटिक क्लोज सिस्टम बना रहे हैं है। दोनों मिल क्या कर रहे हैं एडियाबेटिक क्लोज सिस्टम बना रहे हैं ठीक है अब दोनों मिलके और दोनों अब फ्रीली जो होता है उसमें किसी प्रकार का मैंने हीट इंजन क्या कोसी प्रकार का जो है वह प्रोड्यूसिंग डिवाइस इसमें आ, अप्लाइड नहीं किया है ठीक है तो यह फ्रीली अपने से जोता है इसकी टेम्परेचर जोता है फाइनल टेम्परेचर इक्म टेम्परेचर क्या होगा उसकी जो है फाइनल टेम्परेचर मुझे फाइंड आउट करनी है सपोज यह ब्लॉक ए है जब क्या होता है दोनों की हीट कैपेसिटी सेम है मतलब जितना अमाउंट ऑफ हीट जोता है ये लॉस करेगा इसकी टेम्परेचर टी वन है इसकी टेम्परेचर टी टू मान सपोज पर एफ जो है इसकी टेम्परेचर हाई इसकी टेम्परेचर टी वन इज ग्रेटर देन टी टू एफ मान लेते हैं ठीक है तो इसकी जो टेम्परेचर आपका होगा आपका टी एफ तक डिक्रीज करेगा ठीक है और इसकी टेम्परेचर टी एफ तक इंक्रीज करेगा ठीक है क्योंकि जोता है मतलब इसकी जो भी हीट लॉस करेगा ये सिस्टम ए सिस्टम तो बी जोता है गेन कर लेगा तो जितना अमाउंट ऑफ हीट जो है ए लॉस करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट जो है बी गेन करेगा मतलब दोनों की हीट कैपेसिटी सेम है तो दोनों की हीट कैपेसिटी सेम है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है सी इन टू डेल्टी ए के लिए और सी इंटू डेल्टी फॉर बी के लिए देखो हीट कैपेसिटी होता है हीट चेंज इन डिफरेंस निकाल इन ये आपका निकल जाए सी जो था सी कैंसल दोनों के हीट कैपेसिटी में तो बाहर का टेम्परेचर या आपका टी वन से कहां तक तो जा रहा है टी एफ तक लेकिन तो नहीं जा रहा है मतलब इसकी चेंज इन टेम्परेचर जो जो हायर वैल्यू होगा उसमें से लोअर वैल्यू क्योंकि टी वन ज्यादा है और टी एफ कम है क्योंकि इसकी टेम्परेचर जो था है, इसकी जो हीट इससे लॉस हो रहा था मीन सिस्टम ए की जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है ठीक है और इक्वल टू और सिस्टम बी की टेम्परेचर बढ़ रही क्योंकि इसकी टेम्परेचर कम थी मीन्स इसके टी एफ माइनस टी टू ठीक है यह हमारा ए का लिख कर रहा है मतलब फ्रीली के लिए बता रहा हूँ ठीक है तो टी वन प्लस इधर टी टू इक्वल टू टू टी एफ और टी एफ इसवल टू टी वन प्लस टी टू बाई टू अगर जो था है दो सिस्टम जो रिवर्शियली कंबाइन होंगे और दोनों एडियाबेटिकली क्लोज सिस्टम बना लेंगे तो उसकी जो फाइनल टेम्परेचर थर्मोडायमिक्विबरियम तो थर्मल इक्लिबरियम आएगा टी एफ इजकल टू टी वन प्लस टी टू बाई टू पे आएंगे अगर मानते हैं सपोज कि अगर जो ए आपका ए है ए है और बी है ए ए है और बी है ए और बी दोनों अगर कोई रिवर्सियली प्रोसेस आ रहे हैं रिवर्सिबल साइकिल से आ रहे हैं और कुछ अमाउंट ऑफ वर्क क्या कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं उस समय जो था है इसकी फाइनल टेम्परेचर क्या सपोज मानते हैं हमारा बॉडी ए है जिसकी टेम्परेचर टी वन है और इसमें हीट इंजन जो जोता है सेटअप है हीट इंजन काम का करता है कि हायर टेम्परेचर से हीट लेता है और लो और उसे वर्क में प्रोड्यूस करता है सम अमाउंट पे हीट जोता है बाहर चले जाते हैं इजेक्ट हो जाते हैं तो Q1 हीट सपोज लिया इक्वल Q इसे समझो ठीक है और इसे क्या हुआ कि वर्क में प्रोड्यूस किया और यहाँ पे जो था आपका कुछ अमाउंट ऑफ Q2 जो कि Q1 Q- क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा यह हमारा क्या है यह हमारा B है ठीक है जिसकी टेम्परेचर T2 है ठीक है यह कब तक वर्क पॉडी होगा हो गया सपोज दोनों की टेम्परेचर सेम है मतलब यह सपोज मान लो कि यह हमारा ए है और इसकी टेम्परेचर अब हो गया टी हो गया और यह हमारा हीट इंजन है अब इससे क्या हो गया यह इससे क्यू लेना भी बंद कर देगा क्यू आपका इक्वल टू जीरो होगा और वर्क भी अब जीरो मिलेंगे और आपका क्यू टू होता है भी जीरो मिलेंगे क्योंकि जोता है और यह हमारा टी टू जोता है यह भी हमारा टी एफ हो गया मतलब दोनों का ए, ए, बड़ी ए की टेम्परेचर और बड़ी बी की टेम्परेचर जोता है सेम हो गई मतलब बड़ी ए और बी जोता है दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिए तो हमारा ना ही वर्क मिलेगा ना हीट का ट्रांसफर का कभी भी हीट जो होता है ट्रांसफर का कब ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही हीट फ्लो होता है ठीक है तो मुझे यहाँ तक आने के लिए तो इस सिस्टम से कितना अमाउंट ऑफ वर्क हम ऑप्टेन करेंगे मिस ये रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू रिवर्सिबल प्रोसेस तो मुझे वो फाइंड आउट करना है ठीक है लेकिन सबसे पहले हमको रिवर्सियली आने से पहले मुझे सिस्टम ए से बी आने का इसकी टी एफ की वैल्यू या कितना होगा वह मुझे पहले फाइंड आउट करनी है TF. तो देखो सपोज सबसे पहले क्या करोगे टी एफ लाने के लिए सपोज जो बॉडी ए है तो बॉडी ए की टेम्परेचर कहाँ तक जा रही है टी एफ तक जा रही है इसका भी टी एफ तक रही है और इस बॉडी का भी टी एफ तक रही है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो था चेंज इन ट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी प्रिंसिपल द तो चेंज इन ट्रॉपी ऑफ द जो यूनिवर्स इक्वल टू जीरो फॉर रिवर्सिबल साइकिल के लिए तो और इन ट्रॉपी जो इनवर्स जो आपका मिलकर बना है सिस्टम से प्लस सुरेंडिंग से तो यहाँ पर हमारा सुरेंडिंग में किसी प्रकार का हीट का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा हमारा केवल ए सिस्टम ए और बी के बीच में हो रहा है तो मीन्स ए का जो थाट जो था वो कावजा जीरो हो जाएंगे ए, एक नहीं, नहीं सॉरी सुरेंडिंग स्रे, का हो जाएगा ट्रांसफर हीट जीरो हो जाएंगे तो यह मिलके बना हमारा सिस्टम ए से प्लस सिस्टम बी से मिलके बना हुआ है तो इसमें क्या हो रहा है क्यू बाई टी आ रहा है ठीक है डी क्यू बाई टी आ रहा है ठीक है और इसमें जो है कि DQ, देखो वन प्लस डी क्यू टू बाई टी आ आर इक्वल टू जीरो ठीक है आपका डी क्यू स्क्वल टू क्या होगा एम सी एन टू डी टी होगा बाई टी और टेम्परेचर कहाँ से कहा तक जा रहा है आपका टेम्परेचर टी से टी तक जा रहा है प्लस एम सी इन टू टी वन से टी एफ डी टी बाई टी इक्वल टू जीरो एम एंड सी को बाहर और एल एन टी को इंटीग्रेट करोगे एल एन टी और टी का वैल्यू टी एफ बाई टी वन प्लस एम सी एल एन जोता है और आपका टी एफ बाई टी टू इक्वल टू जीरो देखो मास और दोनों मास और स्पेसिफिक मतलब हीट, हीट कैपेसिटी दिया है सी सी एल एन टी एफ बाई टी वन प्लस सी इन टू एल एन टी एफ बाई टी टू इक्वल टू जीरो और सी को कॉमन लेकर इक्वल टू जीरो कर देंगे बाहर इसे कर देंगे तो हमारा कितना आएगा एल एन टी एफ बाई टी वन प्लस एल एन टी

टी एफ का स्क्वायर इक्वल टू टी वन टी टू हो जाएगा तो मीन्स टी एफ टी एफ टू रूट अंडर टी वन टी टू होगा ठीक है टी वन टी टू होगा तो अब मुझे क्या करना है वर्क थर्ड में हमसे बोल रहा है थर्ड में मुझसे बोल रहा है कि कितना वर्क प्रोड्यूस होगा तो वर्क देखो तो मान लो सपोज यह, यह, यह इंजिन जोता है यह इंजिन जो होता है की वन की वन हीट हीट इंजन लिया जो कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो होता है एनर्जी जो होता है वर्क में कन्वर्ट हो गया कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो आपका Q2 में चला गया मतलब सरेंडिंग में चला गया तो मतलब वर्क इज कल टू आपका हो गया Q1 वन माइनस ठीक है तो Q1 वन लिए आप कैसे लिख सकते हो Q1 के लिए आपका Q1 वन इज कल टू एम ओके क्यू का फॉर्मूला है तो आपका एम इंटू सी सी इंटू डेल टी टी कहाँ से जा रहा है आपका फाइन जब का टी वन से टी टी एफ तक जा रहा है ठीक है और एम इंटू सी आपका सी दिया हीट कैपेसिटी दिया है सी और टी एफ और जो था आपका डेल्टी कहाँ जा रहा है हायर टेम्परेचर बी के लिए हमारा ए के लिए और बी के लिए ठीक है तो आपका जरा रहा है टी एफ माइनस टी टू हो रहा है ठीक है क्योंकि B के लिए मैं अब इसके लिए मैं लिख रहा हूँ या B वाले के लिए A के लिए मैंने लिख लिया था Q1 और Q2 का वैल्यू लिख रहा है ठीक है तो आपको C को बाहर कर दो तो T1 वन माइनस टी एफ माइनस टी एफ प्लस टी टू तो सी इंटू टी वन प्लस टी टू माइनस टू टी एफ और टी एफ के लिए अभी निकाले थे तो C इंटू जो था है, T1 वन प्लस टी टू माइनस टू रूट अंडर टी वन टी टू आएंगे तो यह हमारा क्या निकल गया वर्क ट्रांसफर वर्क डॉन बाई द सिस्टम के द्वारा ओके